एवरीवन, दिस इज नुशरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकेयर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 15 एग्जांपल नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है बच्चों, एग्जांपल नंबर 9 का क्वेश्चन, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइंस सिमल्टेनियसली, से वन इज रुपी वन एंड अदर रुपीज टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी She gets at least one head। क्वेश्चन कहता है कि हरप्रीत एक कॉइन को मीन्स टू अलग अलग कॉइन्स को टॉस करती है एक साथ। टू अलग अलग कॉइन को टॉस करती है एक साथ, सपोज दैट वो एक वन रुपी का कॉइन है और दूसरा टू रुपीज का कॉइन है। ये दोनों कॉइन्स को एक साथ जब वो टॉस करती है, ओके, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड, तब हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, डैट वी हैव टू फाइंड आउट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम टू क्वाइंस को टॉस करते हैं तो कौन कौन से हमें आउटकम्स मिलते हैं, कितने आउटकम्स मिलते हैं। जस्ट लुक हियर, टू रुपीज़ वाले यहाँ पे क्वाइंस हैं, रुपीज़ वन एंड रुपीज़ टू, आई हैव ड्रॉन इट, ओके। सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन हम सिंपली करेंगे, द पॉसिबल आउटकम्स आर, जो आउटकम्स हमें मिलेंगे जब हम दो क्वाइंस को टॉस करेंगे एक साथ, ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों हेड हो, क्या दो, एक हेड एक टेल, और दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, और बोथ ऑफ देम आर टेल, या दोनों के दोनों टेल हैं, ओके। इट मीन्स वी आर गेटिंग फोर आउटकम्स, हमें फोर आउटकम्स मिल रहे हैं, ओके। सो द पॉसिबल आउटकम्स आर दिस, वन टू थ्री फोर पॉसिबल आउटकम्स हमारे। सबसे पहले रिटर्न करेंगे, द पॉसिबल आउटकम्स आर दिस वन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, फोर, वन टू थ्री फोर, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, फोर। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू फोर। द नंबर ऑफ एटलीस्ट वन हेड, वन हेड आने की नंबर क्या है, कितने बार मींस वन हेड कितनी बार आया है, यू कैन सी हियर, जिसमें वन हेड हो, जब हम टू कॉइंस को एक साथ टॉस करते हैं तो कितने बार एटलीस्ट वन हेड आया हो, जस्ट यू कैन सी हियर, दोनों कॉइंस में हेड है, सिंगल कॉइन में हेड है, यहाँ पे भी एक कॉइन में हेड है, इट मीन्स थ्री आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हेड आए हैं, मींस हेड थ्री बार, थ्री टाइम्स हेड आया है, राइट ना। फोर आउटकम्स में से थ्री आउटकम्स हमारे ऐसे हैं पॉसिबल आउटकम्स जिसमें हेड है, राइट। सो द नंबर ऑफ एटलीस्ट वन हेड कितनी बार आया है, देन दैट इज थ्री। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसलिए वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास थ्री है, मीन्स कितने बार हमारा हेड आया है, एटलीस्ट वन, एक दोनों में से एटलीस्ट वन हेड हो, कितनी बार आया है, देन वी हैव सीन थ्री। अनफेवरेबल आउटकम कितनी है, फोर। सो थ्री बाय फोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, देन दैट इज थ्री बाय फोर, दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड बच्चों, नाउ अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, लेट्स सी। सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 10। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 10 का क्वेश्चन कहता है बच्चों, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक म्यूजिकल चेयर गेम में, ओके, एक पर्सन जो म्यूजिक प्ले करता है, जो म्यूजिक को बजाता है, उसे ये एडवाइस दी जाती है कि 2 मिनट मींस जैसे ही गेम स्टार्ट होने के जस्ट 2 मिनट के अंदर ही आपको म्यूजिक को स्टॉप कर देनी है, बंद कर देना है, राइट। देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी म्यूजिक मींस म्यूजिक हाफ मिनट के बाद मींस स्टॉप हो जाएगी, व्हाट इज द मींस प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट होने के जस्ट हाफ मिनट के बाद म्यूजिक स्टॉप हो जाए मींस म्यूजिक को बंद कर दिया जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। बच्चों, म्यूजिकल चेयर गेम सभी को पता है ना, जिसमें चेयर लगे होते हैं, 4-5 चेयर्स लगे होते हैं चारों तरफ से, इस गोल गोल राउंड में टीचर्स बैठे होते हैं, या आप बैठे हो, सभी बच्चे, या फिर बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे बैठेंगे इस तरह से, मीन्स हमें बैठना होता है चेयर पे, ओके, राइट, अपनी अपनी सबकी जगह लेनी होती है, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होती है, सबसे पहले आप अपनी सीट ले लीजिए।
और जो जिसे सीट नहीं मिलती, जो सीट नहीं ले पाते हैं, वो गेम से बाहर निकल जाते हैं, मीन्स वो आउट हो जाता है, राइट। तो ये गेम है सिंपल सी म्यूजिकल गेम। ओके, म्यूजिकल चेयर गेम में सिंपली यही होता है, जल्दी से अपनी सीट ले लो, चेयर पे बैठ जाओ, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द गेम। कैसे सॉल्यूशन कैसे करें, यू नो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स कितने हैं, 2 मिनट्स है, 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट है ना, 2 मिनट के अंदर ही बंद करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 मिनट्स, और इस मिनट्स को हम चेंज कर लेते हैं सेकेंड में। यू नो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, और 2 मिनट्स में कितने सेकेंड, 2 × 60 सेकेंड मीन्स 120 सेकेंड। नाउ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, हाफ मिनट है ना, हाफ मिनट के अंदर मीन्स म्यूजिक बंद होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, हाफ मिनट, हाफ मिनट मीन्स व्हाट, 1 मिनट का हाफ, हाफ ऑफ 60 सेकेंड, 1 मिनट मीन्स व्हाट, 60 सेकेंड। सो हाफ ऑफ 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का हाफ क्या होगा बच्चों, 30 सेकेंड। ओके, ये है हमारा पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 120 सेकेंड है एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 30 सेकेंड है। नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवेंट्स की, वो है गेटिंग हाफ मिनट्स, मीन्स म्यूजिक को स्टॉप करनी है हाफ मिनट के अंदर। वी हैव टू स्टॉप द म्यूजिक, ओके, विद इन हाफ मिनट, स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ मिनट में ही म्यूजिक स्टॉप करनी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जस्ट लुक हियर, वी हैव डन टोटल, यू नो टोटल आउटकम्स कितनी है, 120 सेकेंड, फेवरेबल आउटकम कितनी है, 30 सेकेंड। हमें सिंपली क्या करनी है, फेवरेबल आउटकम को, ओके, फेवरेबल आउटकम को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करने हैं। ओके, जस्ट लुक हियर बच्चों, ये नहीं है, सॉरी दिस इज नॉट, ओके, ये है, मीन्स 30 को 120 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आता है 1/4।